Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आपने समझ लिया होगा कि ये गाना मुझे क्यों याद आया और कब याद आया। बिल्कुल सही समझा आपने, जब खंडेराव ने अहिल्या का साथ देने का वादा किया, बात की कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, उसकी केयर की, तो ये गाना याद आ गया। पुरानी बातें भी याद आ गई, जब खंडेराव हमेशा अहिल्या के साथ खड़े रहते थे, उस मुसीबत की घड़ी में जब अहिल्या का कोई साथ नहीं देता था, घर वाले भी जवाब दे जाते थे कि नहीं अहिल्या नहीं जाएगी, जैसे कि आज हमने देखा। दिल खुश कर दिया है दोस्तों खंडेराव ने, बात तो करना बनता है, चलिए करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई, समझ आ गई कि खंडेराव अहिल्या को सबसे ज्यादा समझते हैं, चाहे किन्हीं कारणों से, कान के कच्चे होने की वजह से, चाहे कोई भी कारण हो, उसके वजह से तनाव उनके बीच में आ जाता है। मगर जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है अहिल्या को, जब कोई उनके साथ नहीं होता है, तब खंडेराव उनके साथ खड़े रहते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो इसी चीज को इस एपिसोड में जब हमने देखा तो मन खुश हो गया। एक बार तो लगा कि अहिल्या को कुछ और करना पड़ेगा भोला तक पहुंचने के लिए, क्योंकि भोला के काका काकी ने तो अपना असली रूप दिखा ही दिया, एक बच्चे को मारने तक की बात कर ली। और जब खंडेराव अहिल्या के साथ उसके रूम में थे, जब सो रही थी अहिल्या, तो अहिल्या का एकदम से बैड जो ड्रीम देख के उठना, उससे ही खंडेराव थोड़ा सोचने लग गए थे कि अहिल्या को जो सिक्स सेंस की जो बात होती है वो सही होती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये चीज देखी है, तभी से उसको आश्वासन दे रहे थे। मगर तभी जब पता चल गया कि वाकई जो अहिल्या स्वप्न देख रही थी, उसी स्वप्न को जो है आगे हम देख रहे हैं सच्चा होते हुए, क्योंकि भोला की जान पे बनना ही है। और वो काका काकी जिनको खंडेराव ने अप्रूव किया था कि इनके साथ भोला को भेज दो, ये तो मतलब इसके काका काकी हैं, खंडेराव के ऊपर भी कितना स्ट्रेस होगा, मगर अपने स्ट्रेस को भी उन्होंने देखा, उससे ज्यादा देखा उन्होंने अहिल्या के स्ट्रेस को, जिसको ना सिर्फ भोला का स्ट्रेस है बल्कि उसकी दोनों सासू भाई और आई का भी स्ट्रेस है, जो उसको जाने नहीं दे रही है। तो यहां पे जब खंडेराव ने अहिल्या का हाथ थामा, अहिल्या को आश्वासन दिया और अहिल्या के चेहरे पे जो चमक आई दोस्तों कि आप चलेंगे ना मेरे साथ, आप चल रहे हो, जो भी डायलॉग बोला आपने सुना होगा, तो वो चमक मुझे याद है। उस चमक को देख के दिल खुश हो गया कि ये रिश्ता कोई पार्वती कोई भी नहीं तोड़ सकता है, ये दिलों का रिश्ता है। कितना मर्जी आपस में तनाव हो, ना बने आपस में, कुछ भी हो, मगर जब समय साथ देने का होता है तो साथ में खड़े होते हैं खंडेराव। प्यार अभी भी कायम है दोस्तों, क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरी बातें आपको पसंद आए तो थैंक यू बटन दबा के थोड़ा सा थैंक यू एप्रिसिएशन कर दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.